तेरे नालो चली हसीन कोई ना, तारे चने उपर जमीन कोई ना, मैं जदो तेरे मुंडे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विकास। तो आज हम एक सॉन्ग सीखेंगे जिसका नाम है वालिया। हरनूर का सॉन्ग है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। तो इसी सॉन्ग को हम गिटार पर प्ले करना सीखेंगे। तो आपने स्टार्टिंग में सुन लिया होगा मैंने कैसे प्ले किया है, तो उसे प्ले करना सीखेंगे हम। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कॉर्ड्स सीखते हैं। तो इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको केपो यूज़ करना होगा फर्स्ट फ्रेट पे। ठीक है, फर्स्ट फ्रेट पे केपो यूज़ करेंगे। सिर्फ चार सिंपल कॉर्ड्स है हमारी, ए माइनर, एफ मेजर, सी मेजर और जी मेजर। सिर्फ चार सिंपल कॉर्ड्स हो गई, ए माइनर, एफ मेजर, सी मेजर और जी मेजर। ठीक है, चारों के डायग्राम्स मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिए, अगर आपको नहीं आते हो तो आप अपन से देख सकते हैं। तो ये हमारे कॉर्ड्स है। अब आते हैं हम इसकी स्ट्रमिंग पर। तो स्ट्रमिंग इसमें एक इंट्रो में प्ले होती है और एक मेन स्ट्रमिंग प्ले होती है। तो इंट्रो में कुछ ऐसी प्ले होती है, तो इसमें क्या करना है आपको, फिंगर प्लकिंग है ये। तो आपको फिंगर प्लकिंग के रूल पता होंगे, वैसे तो नहीं बता देता हूँ मैं। आपकी जो थर्ड फिंगर है वो आएगी फर्स्ट स्ट्रिंग पे, सेकंड फिंगर आएगी सेकंड स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फिंगर आएगी थर्ड स्ट्रिंग पे। ठीक है, ये तीन फिंगर्स नीचे के तीन स्ट्रिंग्स के लिए और थंब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, ये तो ऐसे प्ले होगा। अब क्या प्ले करना है, तो ए माइनर में प्ले करना है हमें बेस नोट यानी फिफ्थ स्ट्रिंग और नीचे की तीनों स्ट्रिंग्स एक साथ, ये चार स्ट्रिंग्स एक साथ प्लग करनी है। ऐसे साउंड आनी चाहिए चारों की एक साथ। ठीक है, तो ए माइनर पे दो बार होगा और फिर जो तीसरी बार प्ले करेंगे वो एफ पे आएगा। तो एफ पे बेस नोट चेंज हो जाएगा, एफ पे बेस नोट हो जाएगा फोर्थ स्ट्रिंग। तो इस बार प्ले करना है एफ पे फोर थ्री टू वन चारों। ठीक है, ए माइनर पे दो बार और एक बार एफ पे, फिर सेम सी और जी पे करेंगे। तो सी पे बेस नोट रहेगा फिफ्थ स्ट्रिंग और जी पे बेस नोट रहेगा सिक्स्थ स्ट्रिंग। ठीक है, ए माइनर पे दो बार, फिर एफ पे एक बार, फिर सी पे दो बार और जी पे एक बार। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में सॉन्ग में यही प्ले की है स्ट्रमिंग। अगर आप चाहें तो पूरा सॉन्ग मेन स्ट्रमिंग पे प्ले कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो स्टार्टिंग वाला इंट्रो पैटर्न हो गया। अब मेन स्ट्रमिंग जो है वो मैंने ये वाली यूज की है। ये भी फिंगर प्लकिंग में करनी है। इसमें क्या प्ले करना है, पहले ए माइनर और एफ पे आएगा, तो ए माइनर पे आपको प्ले करना है बेस नोट, फिर नीचे की वन टू थ्री एक साथ, फिर एक चक, चक यानी स्लैप। ये स्लैप देना है हमें, मतलब थंब से टॉप की स्ट्रिंग को हिट करना है जिससे वो गिटार के फ्रेटबोर्ड को टच करे, ऐसे साउंड आएगी। ठीक है, तो ए माइनर पे है बेस स्ट्रिंग, वन टू थ्री एक साथ, और ये चक करेंगे उसमें हम एफ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर एफ पे आएगा वन टू थ्री एक साथ, हल्का सा पॉज, फिर वन टू थ्री एक साथ और स्लैप। इसको पूरा देखिए ऐसा लगेगा, बेस नोट वन टू थ्री एक साथ स्लैप, फिर वन टू थ्री एक साथ हल्का सा पॉज, फिर वन टू थ्री एक साथ और स्लैप। ठीक है, सी मेजर पे भी सेम, सी और जी पे भी, पहले सी पे बेस नोट, फिर वन टू थ्री एक साथ, फिर स्लैप, स्लैप के टाइम हम कॉर्ड चेंज कर लेंगे जी पे आ जाएंगे, फिर वन टू थ्री एक साथ हल्का सा पॉज, फिर वन टू थ्री एक साथ और स्लैप। ठीक है, तो ये पूरा ऐसा साउंड करेगा। अगर आप फिंगर प्लकिंग में प्ले नहीं करना चाहते, नॉर्मल स्ट्रमिंग पे जाते हैं, तो स्ट्रमिंग रहेगी, पहले ए माइनर पे डाउन अप, फिर चक के टाइम कॉर्ड चेंज, फिर डाउन डाउन चक, डाउन हल्का सा पॉज, फिर एक और डाउन और चक। ठीक है, तो ऐसे रहेगा। सी पे भी सेम, डाउन अप चक, चक के टाइम कॉर्ड चेंज, फिर डाउन डाउन चक, तो ऐसा साउंड करेगा ये।
अगर आप इसको थोड़ा और इजी बनाना चाहते हैं, एक और स्ट्रमिंग यूज कर सकते हैं इसके अलावा, डाउन अपचक डाउन डाउन अपचक डाउन, ए माइनर पे होगा डाउन अप, फिर चक के टाइम कॉर्ड चेंज एफ पे, और फिर एक डाउन, सेम सी और जी पे डाउन अपचक डाउन। मैंने तीन तरीके की स्ट्रमिंग बता दी है आपको, जो अच्छे लगे आप जिस पे कंफर्टेबल हो आप वो प्ले कर सकते हैं। मैंने ब्लकिंग वाली प्ले करी है, तो ये हमारी स्ट्रमिंग हो गई। अब आते हैं इसके कॉर्ड प्रोग्रेशन पे, वो भी बहुत ईजी है। तो मैं एक बार पूरा सॉन्ग प्ले कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए कौन से कॉर्ड कहाँ पे यूज हुई है और सॉन्ग कैसे प्ले हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कोई भी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गाना चालू होगा हमारा ए माइनर से। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सॉन्ग, आई होप आप सभी लोग अच्छे समझ आ गया होगा। इसी सॉन्ग का रीजनली मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो से कोई भी एडमिट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप ऐसे ईजी और नए सॉन्ग्स के लेसन देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।